हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल होममेड क्वीन। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे हम अपने शैम्पू में एक और इंग्रेडिएंट ऐड करके अपने बालों को सॉफ्ट, स्मूथ, शाइनी और उनकी ग्रोथ बढ़ा सकते हैं। गाइस, हमारे डेली लाइफ रूटीन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है शैम्पू। इसके बिना तो हम अपने हेयर की सफाई करने का सोच भी नहीं सकते। मार्केट में बहुत सारे शैम्पू अवेलेबल हैं और उन शैम्पू से हमारी सारी हेयर प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी, ऐसा वो बोलते हैं। बट सभी शैम्पू में केमिकल्स होने की वजह से हमारे हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो जाती है या और भी बहुत सारी हेयर की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो आज मैंने हमारे रेगुलर शैम्पू में ही कुछ नेचुरल और होममेड प्रोडक्ट का ऐड करके हम अपने हेयर में यूज़ करेंगे तो हमारे बाल स्ट्रॉन्ग, शाइनी और सॉफ्ट हो जाएंगे और सारी हेयर की प्रॉब्लम्स भी ठीक हो जाएगी। तो फर्स्ट स्टेप फॉर सॉफ्ट एंड शाइनी हेयर, उसके लिए हमें एक क्लीन बोल लेना है। उसके बाद हमें इसमें 2 टीस्पून रोज़ वाटर ऐड करना है। गाइस, ब्यूटी को बनाए रखने के लिए रोज़ वाटर को बहुत से तरीक़ों से यूज़ किया जाता है। हेयर को और भी ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ बनाने के लिए रोज़ वाटर बहुत ही बेनिफिशियल है। उसके बाद हम इसमें रेगुलर शैम्पू ऐड करेंगे जो हम अपने बाल धोने के लिए यूज़ करते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। शैम्पू के साथ सिर्फ एक इंग्रेडिएंट ऐड करने से हम अपने बालों को सॉफ्ट एंड स्मूथ शाइनी बना सकते हैं। ये बहुत ही नेचुरल है। इन दोनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें इसे अपने बालों के स्कैल्प पर लगाना है और फिर उसके बाद हेयर वॉश कर लेना है। इस रेमेडी को आप रेगुलरली यूज़ करेंगे। जब भी आप अपने हेयर वॉश करते हैं, इसे कीजिए, आपके बाल हेल्दी और ब्यूटीफुल हो जाएंगे। सेकेंड टिप फॉर सॉफ्ट एंड शाइनी हेयर, उसके लिए क्लीन बोल लेंगे और 2 टीस्पून लेमन जूस ऐड करेंगे। लेमन जूस ड्राई स्कैल्प के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है जो डैंड्रफ को रिमूव करती हैं और हमारे हेयर की प्रॉब्लम्स को भी ठीक कर देती है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अपना रेगुलर शैम्पू और उसके बाद हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए ऐसे अपने बालों पर अच्छे से लगाएं और उसके बाद वॉश कर लीजिए। आप देखेंगे कि आपके बाल कितने सॉफ्ट, स्मूथ, शाइनी और स्ट्रांग हो गए हैं और आपके बाल की ग्रोथ भी बढ़ गई है। तो गाइज, इन दोनों ही टिप्स में से आपको जो ठीक लगे वो आप रेगुलरली यूज़ कीजिए और अपने बालों में डिफरेंस देखिए कि कैसे आपके बाल नेचुरली सॉफ्ट और स्मूथ हो गए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।